हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मक्की की रोटी। इसके लिए लेंगे हम मक्की का आटा और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच नमक। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ते का पाउडर, ये मैं अधिकांश अपनी डिशों में डालती ही हूँ। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे मक्की के आटे में और इसे हल्के हाथ से गूंद लेंगे। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एकदम से नहीं डालना है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और जुड़ा हुआ आटा नहीं होता, बिखरा बिखरा सा रहता है। इसीलिए इसे हम थोड़े थोड़े पानी से, और ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है ये आटा, हल्का सा ढीला लगाना है आटा, जिससे कि इसकी रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट बने। बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। एक पन्नी लेंगे और उस पर हम लोई बना लेंगे मक्की के आटे की, और इसे हल्के हाथ से, नहीं तो इसका लोई फट जाती है, चारों तरफ से किनारे जो है कटे कटे से हो जाते हैं। हल्के हाथ से उंगलियों की सहायता से इसकी लोई को हम आराम आराम से फैला लेंगे, बिल्कुल गोल रोटी बनाएंगे धीरे धीरे। देखिए बिल्कुल आराम से, ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं है, बराबर उंगलियाँ फैलानी है इस पर, ताकि ये बिल्कुल बराबर गोल रोटी बने। देखिए हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर किनारे बाहर निकल गए हैं तो इसे आराम से हथेली की सहायता से गोल कर लेंगे। सेप को हम ठीक कर लेंगे रोटी की, इसे पानी की सहायता से भी हम सेप को ठीक कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि किनारे ज़्यादा कट गए हैं। इसे हम हथेली पे ले लेंगे, उंगलियों से नहीं लेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगी। तवा गर्म करके हम उस पर रख देंगे और एक बार हाथ से उसे बराबर कर लेंगे। एक रोटी और बनाते हैं, पन्नी के बीचों बीच लगाएंगे लोई और उंगलियों की सहायता से, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है इस पर, आराम आराम से फैलाना है। ये रोटी हमारी एक तरफ से सिक गई है, इसे हम पलट लेंगे, बहुत आराम से उतर जाती है, बस थोड़ा सा ये कच्ची नहीं है पलटना। साइड कर दिया हमने, एक रोटी और हमने इसमें डाल दी है। छोटे छोटे साइज में बनाना है स्टार्टिंग में, जिससे कि हमारी रोटी बिल्कुल गोल भी बने और टूटे भी नहीं। पलटे की सहायता से देखो सीख गई है, तवा हमने गरम कर ही रखा था। इसे हम हल्का सा गुलाबी कर लेंगे पीछे से। ये देखिए दोनों रोटियां हमारी सीख कर तैयार हो गई हैं। इसे हम एक जाली रखेंगे गैस पे और मीडियम आंच पे इसको सेकना शुरू करेंगे। बड़े आराम से हल्के हाथ से उठाना है, नहीं तो ये जरा सा भी प्रेशर पड़ते ही टूट जाएगी रोटी। आराम आराम से उठाएंगे ये देखो, और मीडियम आंच पर ही इसे पकाना है, नहीं तो ये फूलेगी भी नहीं। ये देखो हमारी रोटी फूल गई है बिल्कुल। चिमटे की सहायता से हम इसको जहाँ से हल्की सी भी फटती है उसे दबा देंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारी रोटी सिक गई है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मक्की की रोटी पंजाब की फेमस मक्की की रोटी है, पंजाब में ये बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है। इसमें बटर लगाकर सरसों के साग के साथ परोसें बिल्कुल हल्के हाथ से, और इसके किनारे भी हम सेकते रहेंगे। कुरकुरी बनानी है बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है हमारी मक्की की रोटी। तो दोस्तों आपको कैसी लगती है मेरी वीडियोस, अगर पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही सरसों के साग की दूंगी।